चीन एक ऐसा देश जो विश्व पटल पर हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। रेड ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले इस देश की हिंद महासागर के आसपास उसकी धाक अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। दुनिया में लगभग सभी देशों में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन खुद को महाशक्ति कहने वाला चीन इन दिनों एक अजीबोगरीब समस्या से जूझ रहा है। समस्या भी ऐसी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चीन में सरकार अपने टॉयलेट्स में इन दिनों कैमरे लगवा रही है। चीन में पर्यटन स्थलों के टॉयलेट से टॉयलेट पेपर की चोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सरकार इसे रोकने के लिए अब कैमरों का सहारा लेने पर आ गई है। दरअसल वहां लोग इन सार्वजनिक स्थलों के टॉयलेट्स में बार बार जाते हैं और इन पेपर के पूरे रिम पर हाथ साफ कर देते हैं। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थलों में से एक टेम्पल ऑफ हेवन क्लेप्टोमोनिया के शौचालयों में टॉयलेट में जाने से पहले अब लोगों को एक हाई फाई डेफिनेशन कैमरे के सामने खड़ा होना होगा। कैमरे से जुड़ा सॉफ्टवेयर उनका चेहरा पहचान लेगा। अगर वो व्यक्ति बार बार आए तो टॉयलेट पेपर मशीन लॉक हो जाएगी और पेपर नहीं निकलेगा। दरअसल नए नए पेपर रोल्स मिनटों में गायब होने से पब्लिक टॉयलेट मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। टॉयलेट्स में कैमरे लगाने के फैसले की तो चारों तरफ निंदा हो ही रही है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि इसके बजाय सरकार को किसी अन्य तरीके पर ध्यान देना चाहिए।